What is an atom? एटम क्या होता है? हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा है, दैट एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. एंड उसमें भी हमने पढ़ा था दैट मैटर दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दे जॉइन टूगेदर टू फॉर्म मैटर. एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स are known as building block of any matter. इसका क्या मतलब है? building block मतलब क्या हुआ? building block मतलब कि इनको इन blocks को जोड़ जोड़ के कोई matter बनता है. so these building blocks, इनका नाम क्या है? they are known as atoms. so atoms, they are the building block of any matter. for example, हम कोई example ले, अगर यहाँ पे हमने एक example लिया है एक table का. आप देख सकते हो table को किस तरह से show किया है. it is made up of small atoms. similarly, जो पूरी building है it is made up of small particles. they are known as atoms. जैसे कि एक building है, उसके बाद उसमें आप अगर छोटा छोटा करते रहेंगे, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक फ्लोर लो, फ्लोर के बाद एक रूम लो, रूम के बाद एक रूम की वॉल लो, वॉल के बाद वो ब्रिक से बनी है, ब्रिक के अंदर हम देखेंगे अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उन छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़ के जो ब्रिक्स बनी है, फिर ब्रिक से फर्दर पूरी बिल्डिंग बनी है. तो इस तरह से जो उनका बेसिक मैटर, जो बेसिक थिंग है जिससे एक बिल्डिंग बनी है, और जो बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज नोन एज एटम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट हाउ बिग आर एटम. एटम्स जो हैं ये कितने बड़े हैं? आप इससे इमेजिन करें कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, कि आप नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते, बहुत मैग्नीफाई करना पड़ेगा आपको, तभी आप एटम्स को देख सकते हैं. अगर आप मिलियंस ऑफ एटम्स को इस तरह से स्टैक करें, तो जाके ये इतनी थिकनेस की एक शीट बनाते हैं, तो जाके एक पेपर की थिकनेस की ये शीट बना पाते हैं. तो दे आर वेरी स्मॉल, ये एटम्स बहुत छोटे होते हैं. अगर हम एक एटम की रेडियस की बात करें, वी टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब होता है? एटम की रेडियस की. तो इसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर्स. और 1 मीटर अगर हम ये यहाँ लेके जाएं, दैट इज इक्वल टू 10^-9 नैनोमीटर. तो आप देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर्स की टर्म में मेजर किया जा. सो इफ वी सी देयर रिलेटिव साइजेस, रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10^-10. दिस इज -10 मीटर, इट्स इन मीटर्स. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10^-9, एंड मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज इन ब्लड 10^-8. ग्रेन ऑफ सैंड इज 10^-4, एंड रेडियाई ऑफ एंट इज 10^-2. वाटरमेलन इज 10^-1. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेटिव साइजेस.